नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिब्रत दीक्षित। बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर की तलाश में शूटर्स लगाए गए हैं। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई है। विशेषज्ञों की टीम बहराइच में छानबीन कर रही है। तो देखिये बड़ी खबर, और अब आदेश जारी किया गया है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विशेषज्ञों की टीम बहराइच में छानबीन कर रही है लगातार। साथ ही आपको बता दें कि अभी भी आतंक लगातार जारी है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आदमखोरों की तलाश में शूटर्स लगाए गए हैं और जैसे ही भेड़िया दिखे उसको गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगातार कॉम्बिंग कर रहा है, भेड़िये को तलाशा जा रहा है। ग्रामीण भी पूरी पूरी रात जागकर भेड़िये की तलाश करते हैं, खुद को बचाते हैं। तो आदमखोरों की तलाश में शूटर्स लगाए गए हैं। तो देखिए सुबह होते ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच जाती है और लोग भी अपने हाथों में लाठी डंडे से लैस होकर अपने घरों से निकलते हैं भेड़िये की तलाश में। तो देखिए प्रशासन की टीम सुबह होते ही पहुंच जाती है। भेड़िये का खौफ, आतंक और लोगों को नोचना, ये उन बच्चों से पूछो जिनके सामने उनकी माँ को नोच कर ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त हम कुम्हारन के पुरवा गांव में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आंगन है घर का, ये देखिए आपकी प्रवेश निषेध का यहाँ पट्टा लगा गए हैं वन विभाग के लोग, पुलिस के लोग। ये जगह है और ये चारपाई है। ये जो चारपाई हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर एक रीता देवी नाम की महिला सो रही थी जिनका ये घर है, और उनको भेड़िये ने नोच कर इसी जगह पर एक सप्ताह पहले मार डाला। उनकी जान निकल गई, उनको नोच कर इसी जगह पर भेड़िये ने फेंक दिया। अब यादों के तौर पर सिर्फ ये चिराग बचा है और ये चिराग अब 13 दिन तक जलेगा। ये वही चिराग है जो रीता देवी की याद में उनके परिवार के लोग यहाँ पर जला रहे हैं, और जब तक 13वीं नहीं हो जाती है तब तक ये चिराग यहाँ पर इसी तरह से जलेगा रोज़ाना शाम में। बच्चे हैं छोटे रीता देवी के, आप देखिए कि ये सबसे छोटी बच्ची है जो गोद में है। देख सकते हैं कि इसके सर से माँ का साया उठ गया है। ये इतना छोटा बच्चा अपने माँ के बगैर कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। और ये बड़ी बेटी है, 3 साल की छोटी बेटी है, और बगैर माँ के इसका पालन पोषण किस तरह से होगा। अब जो बड़ी बहन है वही माँ का रोल अदा कर रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि गोद में लिए बच्चे को खड़ी है, माँ को याद करती है ये बच्ची। और बात करते हैं इनसे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नंदनी वर्मा। इसका क्या नाम है इस बच्ची का? अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा नाम है। माँ को याद करती है? क्या क्या कहती है, क्या कह के याद करती है? ज्यादातर कहेगी चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए अम्मा चाय पिलाती तुमको? हाँ बाबू, अम्मा चाय पिलाती थी। हाँ। खाना भी देती थी? हाँ। क्या देती थी खाने के लिए, क्या देती थी? पानी। पानी, पानी वगैरह सब देती थी तुमको। चलिए, तो ये बच्चे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ 40 से 50 लोग जो है वो हमले में घायल हो चुके हैं। ये राम नरेश हैं, ये उस रीता देवी के पति हैं और इन बच्चों के बाप हैं जिनकी माँ उनको छोड़कर चली गई। सर इसके बाद तो नहीं बता, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, बाहर रहा, मैं रहते थे जी। हाँ, बाकी मैं छोटा बड़ा लड़का उससे पूछ लीजिए सर, वो बताएगा पूरी बात। अच्छा एक सवाल और है, ये आप आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। ये जो दरवाजे लगे हुए हैं ये घटना के बाद लगाए गए हैं, इस घर में दरवाज़ा नहीं था। इसके पीछे वजह ये है कि गुर्बत का आलम है, लोग 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और इसके चलते जो है वो दरवाज़ा इन्होंने नहीं लगाया था घर में,
प्रधान जी ने लगवाया है परसों चौथ। प्रधान जी ने लगवाया है, आप वो भी नहीं लगवा पाए तो क्यों नहीं लगवाया था घर पे दरवाजा, ये जानने। सर हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे, बहुत कमजोर हैं सर, न खेती है विशेष कोई न कुछ है, और खेती से कुछ होता है, हम बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं सर। कैमरामैन शिवम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बहराइच। बहराइच जिले के कई गांवों में इस वक्त भेड़िए का आतंक है, 50 से ज्यादा लोगों को भेड़िया घायल कर चुका है और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा निगरानी रखी जाए और हर गांव में, हर इलाके में जो है वो फोर्स जाए और साथ ही साथ वन विभाग की टीमें जाएं और जाकर निरीक्षण करें, भेड़िए पकड़ने का प्रतिबंध भी करें। लेकिन एक जगह है जो महसी गांव है, उसका कुम्हारन का पुरवा ये इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं। रात की तारीकी है, अंधेरा है और आप देखिए कि इस गांव में लाइट का कहीं भी कोई पता नहीं है। लोग टार्च जला रहे हैं, टार्चों से जो है वो रखवाली कर रहे हैं, जो लोग भी निकलते हैं या मोबाइल की टार्च जला के निकल रहे हैं या ऐसे टार्चे जला के निकल रहे हैं। देखिए आपको कि अंधेरा कितना दिखाई पड़ेगा, इस तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएँ तो अंधेरा है, तारीकी है, जंगल है गाँव के चारों तरफ और भेड़िया कहीं से भी आ सकता है। यही गांव है जहां पर भेड़िया अभी कुछ दिन पहले घायल कर चुका है और बावजूद इसके यहां पर लाइट का प्रतिबंध नहीं है। अब ऐसे मौके पर जब मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं कि लाइट होनी चाहिए, ग्रामीणों को जो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि सैकड़ों लोग धीरे धीरे करके उस भेड़िए, आदमखोर भेड़िए का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बहराइच। भारत समाचार की टीम अब उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर रात में भेड़िया निकलता है और ये भेड़िया इतना खौफनाक है कि बिना सुरक्षा के हम भी इस जगह पर नहीं आए। हमारे हाथ में हथियार है कि अगर भेड़िया नज़र आएगा तो उसके हमले से बचा जा सके। हाथ में हमारे फरसा है, ग्रामीणों ने ये फरसा हवाले किया है कि फरसा लेकर जाओ अगर उस तरफ जा रहे हो तो। खौफनाक मंजर, जिस गांव में हम मौजूद हैं यहां पर हमले हो चुके हैं। आप देखिए कितना घना जंगल, किनारे किनारे खेत, जहां तक आपको नज़र आएगा अंधेरा नज़र आएगा। तो ये खौफनाक मंज़र इस गांव के लोगों को ना तो सोने देता है और ना ही इनकी नींद पूरी हो पा रही है। आलम यह है कि जो भी गांव के लोग निकलते हैं घरों से बाहर, वो हाथ में बिना लाठी डंडे और हथियार के नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर ग्रामीण, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे लाठी डंडे के साथ जो है वो यहां पर आए हुए हैं और बहुत सारे ग्रामीण जो है वो पूरी पूरी रात पहरा भी देते नज़र आते हैं। बहरहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये वही गांव है जहां पर ग्रामीण रास्ता बंद करके या रास्तों को ताक के बैठे रहते हैं कि इधर कोई भी अगर आता है, कोई भेड़िया आता है तो उसको हमला करके उसको रोका जा सके। क्योंकि यही गांव है जहां पर रीता देवी नाम की एक महिला को, 45 वर्षीय महिला की, भेड़िए ने जान ले ली, उसका गला दबा दिया और गले से पूरा खून चूस लिया। जाहिर है कि ये खौफनाक मंज़र बहरहाल यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको। रात के काफ़ी वक्त हो गया है, ग्रामीणों की टार्चें खाली भेड़ियों को ढूंढने का काम कर रही हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, रात में काफ़ी समय हो गया है लेकिन गांव में जहां पर जल्दी व्यक्ति सो जाता है, 10 बजे सो जाता है, लेकिन देर रात होने के बावजूद भी अभी भी कोई भी व्यक्ति यहां पर सोया नहीं है। एक पहरा दिया जा रहा है क्योंकि भेड़िए का आतंक लगातार जारी रहे और कई लोगों की जानें ले चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भेड़िया यहाँ की इन्हीं रास्तों के, जिस जगह पर हम खड़े हैं इन्हीं रास्तों से होकर आता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपना लुकमा बना लेता है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बहराइच। और इन दिनों आदमखोर भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम